हेलो गाइस, रेलवे सीरीज जो हम लोगों की चल रही है ग्रुप डी पर आधारित, उसमें आपका स्वागत है। और आज हम रेलवे ग्रुप डी का 2014 में जो 30 नवंबर को कोलकाता जोन में पेपर हुआ था, उसे आज डिस्कस करने वाले हैं। और उस पर आधारित मैथ्स के क्वेश्चन क्या आए हुए थे वो आज हम सॉल्व करेंगे। इससे काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी कि रेलवे में जो पैटर्न चला आ रहा है वो क्या है। तो आज हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन लिख लूँ मैं। देखिए, सिंपल सा घटाना तो दिख रहा है ये फ्रेंड्स, लेकिन कई बार क्या होता है हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और इसे हम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसे शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे? जो हमारा पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स रिलेटेड है वो ये है जिसमें पूछा गया था। देखो, इसमें तो आप कुछ नहीं करना, जो आपको प्लेस वैल्यू समझते हो आप लोग, प्लेस वैल्यू क्या होती है हम लोगों ने पढ़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, आपका यूनिट डिजिट टेंथ हंड्रेड थाउजेंड ऐसा समझा हुआ ना। तो थाउजेंड थाउजेंड वाली डिजिट को, हजार हजार वाली को हजार से सॉल्व करो, सैकड़े सैकड़े वाली को मतलब सौ सौ वाली को सौ से करो, टेंथ डिजिट को टेंथ डिजिट से सॉल्व करो और यूनिट को यूनिट से, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, चल देखिए ये क्या है, 34,928, ये क्या है 2000, ठीक है 591, और ये क्या 14,986। तो देखिए मैं क्या करूंगा यहां पर, 34,000 है ये कि नहीं है, मैं 34,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 8 ऐसे अगर इस नंबर को लिखना, नहीं इमेजिन करना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इमेजिन करूंगा चलेगा। हाँ, तो आप पहले 34,000 में से यहां कितना है, 1000 की जगह पे 2000, और यहां माइनस का कितना है 14,000, 2000 और 14,000 कितना होगा माइनस का 16,000, 16,000 आप जब 34,000 से घटाओगे तो कितना बचेगा प्लस का 18,000। अब बात आती है प्लेस वैल्यू जो 100 के प्लेस पे है, यहां है 900, यहां है कितना 500, और यहां है, यहां अगर देखो तो आप पॉजिटिव 900 है, ये तो देखो सॉल्व हो गया ये जोन हजार वाला, तो इसे छोड़ देते हैं। अब क्या बचा, 100 वाला प्लेस, 900, 500 और 900, लेकिन 900 यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन यहां से अगर करो तो 500 है और यहां माइनस 900, 900 से 900 कैंसिल, कितना बचा माइनस का 500। देखिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं तो इसे अच्छे से देखते चलना है। अब यहां पर कितना है, अब ये भी सॉल्व हो गया, बचा कितना 20, 90। अब देखो मैं यूनिट डिजिट भी नहीं पढ़ रहा, टेंथ पढ़ रहा हूं, मतलब आपकी दहाई अंक 20, 90 और यहां पर कितना है 80, लेकिन ये दोनों किस में, माइनस में, माइनस 90 और माइनस 80 कितना होगा माइनस 170 और प्लस 120, तो यहां पर सॉरी प्लस 20, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस 150। देखो यहां पर मैं लिखता चल रहा हूं वो चीज, अब ये भी फिनिश। अब 8 में से अगर आपने एक घटाया, देखो अब क्या बची यूनिट प्लेस पे, ये 8 है, माइनस 1 और माइनस 6 कितना हुआ माइनस 7, 8 में से माइनस 7 गया तो प्लस 1, तो आपका आंसर आपके सामने ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है 18,000 में से अगर आप कितना घटा दो 650, कितना 650 तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं, 18,000 है, 18,000 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 17,500, ये 500 घटा दिया मैंने 17,500, ठीक है 17,500 में से 150 घटाना है, पहले 100 घटाओ 17,400, उसमें से 50 घटाओ 17,350 और एक 17,351, तो आपका आंसर क्या हुआ 17,351। देखो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना यूनिट प्लेस को सॉल्व करने की, कि तुरंत 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 हमने इमेजिन कर लिया और इसे कर लिया, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। और अगर कहीं पर दिक्कत फेस हो रही है तो उसे और भी तरीके हैं कई करने के, वो आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, इसे आप फॉलो करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं, परीक्षा पर आधारित है, नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 280 अंक प्राप्त करना है। नीमा को 264 अंक मतलब 264 अंक प्राप्त हुए और वो 2% से फेल हो गई। तो यह बताइए कि जो पासिंग मार्क्स है मतलब
जो आपको पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए मार्क्स चाहिए वो प्रतिशत में कितने हैं, ठीक है? जो परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम प्रतिशत चाहिए वो कितना है, प्रतिशत समझते हो ना, प्रतिशत में चाहिए अब इसे, तो देखते हैं हम पहले, ठीक है? मिनिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, पहले हमने माना मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, कितना है वो x मान लिया, मिनिमम मार्क्स कितने दिए हैं, और लीना रीना नीमा, और जो नीमा थी उसने कितने पाए हैं, ठीक है? अब ये 280 आपको किससे मिले भाई, x से ही मिले हैं, ठीक है? अब यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बचा, 16, ठीक है? वो कितने अंकों से फेल हुई है, अगर अंकों के तौर पे देखो तो 16, लेकिन जब प्रतिशत के तौर पे देखो तो उसने कितना प्रतिशत पासिंग मार्क्स से कम किया है, 2%, ठीक है? कितने प्रतिशत से फेल हो गई वो, 2% से, तो आपको क्या दिया है, 2% किसका होगा वो भाई, पासिंग मार्क्स जितने भी आएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में आएंगे, आपके 100% के रिस्पेक्ट में, और वो फेल कितने हुई है, 2% से, 2% ऑफ एक्स बराबर डिफरेंस कितना है, 16, तो x बराबर आपका कितना हो गया, देखो भाई जब 2% अगर 16 है तो 1% 8, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 800 आता है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूं, परसेंट हटाओगे ऊपर मल्टीप्लाई, आपका कितना हो गया 800। अब 800 के हिसाब से आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है जो मिनिमम मार्क्स हैं, जो मिनिमम मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में वो प्रतिशत में कितने हैं, तो कितने थे टोटल भाई, अब मैक्सिमम मार्क्स में से मिनिमम घटाओ, आप नॉर्मल निकालोगे परसेंट के लिए तो आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा भाई, कितने हैं वो, तो कितने हैं 280, ठीक है? 280 किसके रिस्पेक्ट में प्राप्त किया आपने, 800 के, और मल्टीप्लाई परसेंट निकाल लो तो 100 का, 0 से 0 कितना आया 35, तो आपका आंसर क्या हो गया 35%। तो कितने अंक चाहिए प्रतिशत में पास होने के लिए, 35%। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न पूरे तरीके से औसत पे आधारित है, तो हम देखते हैं ये प्रश्न हमारा क्या है। 100 विद्यार्थियों की कक्षा में अंग्रेजी विषय में 48 विद्यार्थियों ने 40 अंक प्राप्त किए तथा 32 विद्यार्थियों ने 60 अंक प्राप्त किए और बचे हुए शेष ने 80 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी विषय में संपूर्ण कक्षा का औसत क्या है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको काम करना है किसके लिए, 100 के लिए, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इस पर आधारित पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं, अपनी जो पिछली क्लास हुई थी इस पर, है ना, उसमें हम कर चुके हैं। तो देखो जब भी एवरेज का जब सॉल्व करते हो तो क्या चाहिए, नंबर, ठीक है, सम, फिर आपको क्या चाहिए, एवरेज, ठीक है? तो टोटल कक्षा में कितने भाई, आपको किसका एवरेज निकालना है, अंक 100, लेकिन सम है क्या कि उनने टोटल कितने अंक प्राप्त किए थे, नहीं, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो आपको यहां पर क्या किया गया है फ्रेंड्स, तीन सेक्शन में मार्क्स दिए, पहले कितना दिया भाई 48 ने, कितने प्राप्त किए हैं 40 अंक, 32 ने कितने प्राप्त किए हैं 60 अंक, और बचे हुए ना, तो 48 और 32 80, 100 में से 80 जाएगा, कितने बच गया शेष आपके 20। तो अगर मैं मानूं ये आपकी संपूर्ण कक्षा है, ठीक है, ये मान लें हम हमारी क्या है टोटल, ये कंप्लीट क्लास है, फिर इसे हमने डिवाइड कर दिया है ए बी और सी सेक्शन में मान के चलो, ठीक है, 40 कहां आएगा, यहां 60 और 80, क्योंकि ये एवरेज मार्क्स है, उनके प्रत्येक ने प्राप्त किए हैं भाई, सम नहीं होगा, सम तो आप निकालेंगे हम, तो आप ये देखो अगर आपको एवरेज पता है, ठीक है, एवरेज बराबर क्या था, सम अपॉन नंबर, और अगर आपको सम निकालना है मतलब टोटल अंक, एवरेज इंटू क्या करोगे आप, नंबर, तो भाई हमें तो सम चाहिए 100 विद्यार्थियों का, तो वो कैसे निकलेगा, जब 48 का निकालें, 32 का निकालें और 20 का निकालें सम, और उन्हें जोड़ दें, तो कुछ नहीं, 80 का इसमें करो, कितना होगा यहाँ टोटल 1600, कैसे हुआ 80 गुणा 20, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 60 गुणा 32, मतलब 32 का आपने किस में मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, तो आपका कितना आ गया 1920। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा मेरा कितना गया 1920, अब यहाँ 48 का 40 में करना था आपको, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 1920, अब 1920 3840 और 1600, ठीक है, 3840 और 1600 30
अब इन दोनों को आपने ऐड किया, 1919 कितना होता 38, 38 में 16 करा आपने कितना हो जाएगा 5400 हो गया, 20 और 20 40, तो मतलब यहां पर कितना हो गया। अब यहां पर 100 का क्या कर दोगे डिवाइड, तो आपका एवरेज कितना आ गया 54.4। तो आपकी जो कक्षा, पूरी कक्षा में जो अंग्रेजी में औसत अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं 54.40। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस पर आधारित है। 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर एक फेरी वाला 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर एक फेरी वाला क्या करता है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे आप। भाई आपसे क्या बोला गया, एसपी माना मैंने 60 आइटम्स का कितना होगा, ठीक है 60 आइटम्स का है, 60 वस्तुओं का वो बेच रहा है जब, तो एक्चुअली में अगर आपको ये देखना है कितनी वस्तुओं का, तो अब मैंने माना 60 आइटम्स का कितना हो गया 60 रुपीज, ठीक है। सीपी की बात करें, सीपी हमें नहीं पता अभी, लेकिन लाभ अगर हमें देखे, ठीक है, तो लाभ उसे प्रॉफिट, अगर से परसेंट में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। अगर यहाँ पर प्रॉफिट देखा जाए, देखो आपको एक चीज़ समझनी, प्रॉफिट कितना है उसे 15 रुपये का, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 15 आइटम का, ये मान के चलो आप 15 रुपये का हो गया। अब यहां से आप माइनस करो तो क्या हो गया यहां पर 45 रुपये या 45 आइटम। आप इसे इमेजिन कर सकते हो, यहां पर मैंने करा क्या है, देखो 60 आइटम को मैंने माना 60 रुपये, उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ उसे 15 आइटम का, तो भाई 1 रुपये अगर मैंने माना, 1 रुपीज पर आइटम अगर मैंने क्रय मूल्य माना, ठीक है, तो 45 रुपये आपका यहाँ पर बचा कि नहीं बचा। अब ये 45 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट थी इन आइटम्स की, तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्चुअली में क्या निकल के आया, सीपी, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था आपका, प्रॉफिट था नहीं था, हाँ प्रॉफिट था, बचा हुआ क्या बचेगा अब यहाँ पर, ये तो सीपी था भाई, अगर 15 रुपये वो प्रॉफिट कमा रहा है तो बचा हुआ कॉस्ट क्या होगा, सीपी। तो अब उसे क्या यहां पर देखना है कि उसने कितना प्रतिशत लाभ कमाया, तो सिंपल सा है, प्रॉफिट कितना है 15, प्रॉफिट ऊपर लिख दो आप, सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकलता है 45, कैंसिल करो बिल्कुल, प्रॉफिट परसेंट निकालो, देखो शॉर्टकट है बिल्कुल, प्रॉफिट कितना 15, किसके रिस्पेक्ट में 45, परसेंट ही निकालना ना, तो 15 रुपये 45 के रिस्पेक्ट में कितने होंगे 1/3। अगर आपको याद नहीं है 1/3 कितना होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दो, फ्रैक्शन आया 100 का, क्योंकि परसेंट में जब फ्रैक्शन से चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं 100 का, तो आपका आंसर कितना हो गया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है 33:1/3% का। देखिए आप फिर से मैं प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस अगर कर रहे हैं तो उसी बेस क्वेश्चन करें तो ज़्यादा आसान होता है। एक डीवीडी प्लेयर को 4860 मतलब 4860 रुपये में खरीदा जाता है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचा जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको नॉर्मल समझ में आता है तो ही कर देंगे। देखो अपने आप में क्या है, मैं वर्बल समझाता हूँ, 4860 क्या है 100%, उसका 25% और बढ़ाना है तो आपको लाभ हो जाएगा। भाई 25% का मतलब क्या होता है, अगर आप देखो 4800, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, 4800 ये तो आ गई, प्लस कितना होगा 25% किसका, इसी का, तो भाई 125% हो जाएगा, ये तो अपने आप में 100% हो गया, प्लस में क्या करोगे, अब 25% क्या होता है फ्रैक्शन के तौर पर 1/4, तो मैं लिख सकता हूँ 25% को, तब तो आप आइटम को बेचोगे ना 125% पे, है ना, क्रय मूल्य का 125% तभी होगा आपका, तो कुछ मत करो अब, 4 से सिंपल इसे भाग करना है। देखो 4 से भाग करने का तरीका बहुत आसान है, हाफ का हाफ कर दो, समझ रहे हो मेरी बात कैसा, अच्छा 25% कैसे निकला 100 का, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25%, तो 1/4 हो गया। ऐसे ही 4860 जो आपका है इसका आधा, तो देखो पहले क्या करो, 4000 का आधा कितना होगा 2000, 800 का आधा 400, 2400 हो गया, 60 का आधा 30, तो 2430, उसके बाद उसका भी क्या कर दो हाफ, तो कितना हो जाएगा 1215। लेकिन आपको अगर डिवाइड करना है, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, भाई डिवाइड करा हमने यहाँ पर कितना आ गया, 4 एकम 4, फिर 2 बार गया, फिर क्या बचा 6 में गया 1 बार, अब आपका क्या बचा यहाँ पर 2, 5 बार गया, तो
1215, इसमें 1215 को आप सिंपली जोड़ सकते थे, तो हमने 1215 को यहाँ पर जोड़ दिया। तो जोड़ने पे क्या आया, देखो सिंपल 4000 और 1000 5000, अब 800 और 200 1000, तो कितना हो गया 5000 और 1000 6000, ठीक है यहाँ लिख लो 6000, चलो अभी के लिए 60 और 15 75, तो क्या हो गया आपका 6075। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हम वही टेक्निक यूज कर रहे हैं प्लस माइनस में जो हमें आसान पड़े। और अगर कोई क्वेरी है देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जो आज की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसके आने वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, देन कीप वॉचिंग अस। और अब अगर अब तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन कंटिन्यूस पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.